कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? नीट यूजी के पोस्टपोन होने के चांस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. इस साल नीट यूजी देने वाले स्टूडेंट को अब तनाव होने लगा है. 1 अगस्त को नीट प्रस्तावित है. हर साल परीक्षा में 45 दिन पहले इसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है. नीट अगर तय तारीख पर होती है तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए 40 से भी कम दिन रह गए हैं. वहीं अब तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है. नीट को स्थगित किए जाने की सूचना भी अब तक एनटीए ने जारी नहीं की है. फॉर्म फिलिंग के बाद छात्रों को आवेदन में गलती सुधारने का समय भी दिया जाता है. ऐसे में 1 अगस्त को नीट एग्जाम का होना मुश्किल ही लग रहा है. देश के सभी मेडिकल एग्जाम्स में नीट सबसे बड़ा एग्जाम होता है. पिछले साल करीब 16 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था और इस साल यह संख्या 18 लाख तक भी पहुंच सकती है. इस बीच सीबीएसई ने ऑफलाइन एग्जाम की तारीख भी डिसाइड कर दी है. परीक्षा से असंतुष्ट छात्र 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच पेपर दे सकेंगे. ऐसे में संभव है कि इस अवधि के दौरान भी कंपटीशन एग्जाम करवाए जाएं. मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट आशीष महेंद्र ने बताया कि ऑफलाइन परीक्षाओं व प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्लेश नहीं हो, इसके लिए एनटीए व सीबीएसई को समन्वय भी रखना होगा.